हेलो, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में मेमोरी को, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने की कई सारी टिप्स दी हैं, तो इस वीडियो में अलग क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ सिर्फ वो टिप्स जो असरदार तो हैं पर करने में आसान है, मतलब इजी भी और इफेक्टिव भी। मेरी पुरानी वीडियोस में बताई हुई टिप्स जैसे कि मेडिटेशन, मेमोरी मेथड्स या डाइट चेंज, ये सब करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है या इसको आप अपने रूटीन का पार्ट नहीं बना सकते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जो मैं टिप्स दे रहा हूँ उनको आप चलते फिरते यूज कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को, अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। पहले आप ये चारों टिप्स सुन लो, उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको समरी दूंगा, तब आप डिसाइड करना कि कौन कौन सी टिप आपको यूज करनी है। सो शुरू करते हैं फर्स्ट टिप के साथ, जिसको आप अभी से यूज कर सकते हैं एंड फायदा ले सकते हैं। फर्स्ट टिप, सीक नॉवेल्टी। मान लो आप अचानक किसी नए देश में, नए शहर में, एक नए घर में शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन तो आप घर से निकलोगे तो ऑब्जर्व करते जाओगे, रास्ते देखते जाओगे, शहर के लोगों को देखोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे, मतलब आप पूरी तरह एक्टिव रहोगे, आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहेगा एंड धीरे धीरे ये आपकी हैबिट का, आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। साइंस कहती है कि कुछ नया देखने से आपके न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं, जिसके साथ आपका हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। बट हम तो सुबह उठते हैं उसी सेम रूटीन के साथ, सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम ऑफिस, तो हमें भी ये सोचना होगा कि क्या नया दे सकते हैं हम अपने दिमाग को। अब इस सब का मतलब ये नहीं है कि आपको नए शहर, नए देश, नए लोगों में जाना है। आप कुछ आसान तरीके ढूंढ सकते हो कुछ नया करने के, जैसे कि कॉलेज जाना है तो सेम रास्ते की जगह नए रास्ते से जाओ, पूरी जर्नी में ब्रेन एक्टिव रहेगा। हैंकी को अगर राइट पॉकेट में रखते हो तो लेफ्ट पॉकेट में रख लो, वॉच अगर राइट हैंड में लगाते हो तो कुछ टाइम के लिए लेफ्ट हैंड पे लगा लो, फोन का वॉलपेपर बदलते रहो, कुछ खाना है तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो। अपने संडे को बिताने के नए नए तरीके ढूंढ सकते हो, मस्ती की मस्ती भी हो जाएगी और दिमाग को फायदा भी हो जाएगा। ये सब आसान से चेंजेस आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे, लेकिन साथ में आपके ब्रेन को एक्टिव रखेंगे और आपकी मेमोरी को इंप्रूव करते जाएंगे। सो आइंस्टाइन की तरह जीनियस बनना है तो आइंस्टाइन की तरह नई नई चीजें ट्राई करते रहो, अपनी रोज की लाइफ में नई नई चीजें ढूंढते रहो, सीक नॉवेल्टी। जब कहीं खारिश हो रही होती है ना तो मलने के बाद बेटर हो जाता है, ऐसे ही जब दिमाग में खारिश होती है ना उसको मल दिया जाए तो दिमाग बेटर हो जाता है। मैं समझाता हूँ दिमाग की खारिश का मतलब अपनी सेकंड टिप में, बी क्यूरियस। बहुत से लोग बारिश को सिर्फ इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में खारिश होती है कि बारिश क्यों होती है। दिमाग की खारिश का मतलब कि चीजों पे सवाल करना और उनके जवाब ढूंढना, मतलब कि क्यूरियस रहना, उत्सुक रहना कि क्यों हुआ ये चीज, क्यों हुई, कैसे हुई। क्यूरियस होने से, उत्सुक होने से आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है जो ब्रेन को एक्टिव रखता है, और इसका इंपैक्ट भी हिप्पोकैम्पस पे होता है जिससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप अपनी स्टडी को भी क्यूरियोसिटी के साथ करो तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, आपका पढ़ाई की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। सो फ्रेंड्स, चलते फिरते सोचते रहो, सवाल करते रहो, जवाब ढूंढते रहो, इससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा, ब्रेन पावर इंक्रीज होगी, करने में ये आसान है और फायदे में असरदार है। थर्ड टिप में भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी, इनफैक्ट मजा करना है। थर्ड टिप इज माइंड गेम्स। जो लोग खेलकूद करते रहते हैं उनकी बॉडी हमेशा फिट रहती है, तो अगर मेमोरी को भी फिट रखना है तो दिमाग की खेलकूद करवाते रहना चाहिए। और उम्र कोई भी हो, खेलने के लिए तो अंदर का बच्चा हमेशा तैयार रहता है। एक छोटी सी गेम मुझे याद आ गई जो आप किसी के साथ भी खेल सकते हो। आप कोई भी एक रैंडमली कोई एक वर्ड बोलो, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आया कॉफी, उसको आपका वर्ड सुनने के बाद कोई एक वर्ड बोलना है जो एकदम से उसके माइंड में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसके माइंड में आया टेबल, तो उसको आपका वर्ड और अपना वर्ड एक साथ बोलना है, कॉफी टेबल। अब जो वर्ड आपके माइंड में आ रहा है आप पिछले दोनों वर्ड्स को जोड़ के तीसरा वो वर्ड साथ में बोलोगे, कॉफी टेबल चेयर। अब वो बोलेगा कॉफी टेबल चेयर और उसके माइंड में आया मिनिस्टर। ये सिलसिला चलता रहेगा एंड जिसने किसी एक वर्ड को मिस कर दिया वो हार गया, रीस्टार्ट द गेम अगेन। सो आप ये वाली गेम ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा सुडोको खेल सकते हो, क्रॉसवर्ड खेल सकते हो, पजल सॉल्व कर सकते हो, जिन भी माइंड गेम्स में आपको मजा आता है उनको खेलो, क्योंकि खेलेगा दिमाग तो बढ़ेगा दिमाग। नेक्स्ट टिप एक ऐसी आसान टिप है जिसमें आप बिना खर्चा किए बहुत कुछ कर सकते हैं एंड अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप, इमेजिन। आइंस्टाइन ने कहा है इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं ना तो हमारा ब्रेन इमेजिन करने के लिए चीजें हमारी मेमोरी में से उठाता है और हमारे थॉट्स के साथ लिंक करता जाता है। सो इमेजिनेशन में पास्ट की कितनी सारी नॉलेज होती है और हमारे आज के और फ्यूचर के थॉट्स उसके साथ मिक्स होते हैं, मतलब कि ब्रेन की पूरी तरह फुल ऑन एक्सरसाइज होती है। और इमेजिनेशन हमारे ब्रेन के उन पार्ट्स को भी यूज करता है जो अदरवाइज हमारी लाइफ में अनयूज्ड रह जाते हैं, और इसीलिए इमेजिनेशन को ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। सो आपको कुछ नहीं करना, घर में या बस में जहां भी कहीं खाली बैठे हो तो इमेजिन करके देखो, कुछ भी सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल,
20 साल बाद दिवाली कैसी होगी, फ्यूचर दिवाली कैसी होगी, पटाखे कैसे होंगे, पटाखे होंगे या नहीं होंगे, उस टाइम पे पूजा कैसे की जा रही होगी, मॉडर्न तरीके क्या होंगे पूजा करने के, दिवाली 20 साल बाद कैसी मनाई जा रही होगी, कितना कुछ इमेजिनेशन में आएगा, कितने थॉट्स खुलेंगे, कितना दिमाग खुलेगा, कुछ और सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक बर्ड की तरह अपने शहर के ऊपर उड़ रहा हूँ तो सफ़र कैसा होगा, क्या देखूंगा, किसको देखूंगा, क्या करूंगा, बर्ड बन के क्या फ़ायदा लूंगा, या फिर कुछ और इमेजिन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो क्या हो रहा होगा, क्या देख रहा होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि इमेजिन करने से दिमाग कितना खुलेगा, और जब दिमाग खुलेगा तो तेज होगा ही होगा। सो ये थी 4 टिप्स जो करने में आसान है और फायदे में असरदार हैं, आपकी मेमोरी को, आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाती हैं। एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं सो दैट आप इन टिप्स को अपने साथ लेके जा पाओ। फर्स्ट टिप, सीक नोवेल्टी, कुछ नया ढूंढते रहो, अपने दिमाग को नए एक्सपीरियंसेस करवाते रहो। सेकेंड टिप, दिमाग की खारिश याद है ना, बी क्यूरियस, उत्सुक रहो, क्यूरियोसिटी से भरे रहो। थर्ड टिप, माइंड गेम्स, खेलेगा माइंड तो बढ़ेगा माइंड। फोर्थ टिप, ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज यानी के इमेजिनेशन। इसके अलावा अगर आपको और मेमोरी टिप्स चाहिए, स्टडी टिप्स चाहिए, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख के और फायदा ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। मेरे चैनल पे आपको ऐसी कई सारी और वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करती रहे, ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फोन में नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना सो दैट कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे कुछ लिंक्स आ चुके होंगे, आप उनको क्लिक कर सकते हैं, खुद को और ग्रो करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।